इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप दोस्तों आईटेल विजन 3 के मोबाइल फ़ोन में डायल अप पैड टोन्स को बंद और चालू कैसे कर सकते हैं, इससे क्या होता है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आईटेल विजन 3 मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपको आना है नीचे। नीचे आने पर आपको साउंड का ऑप्शन मिलेगा, साउंड पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको नीचे आना होगा, लगातार नीचे आने पर आपको डायल अप पैड टोन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में ये सेटिंग बंद है। तो ऑन करने के लिए डायल अप पैड टोन के साइड में इस सेटिंग पर क्लिक करना है, डायल अप पैड टोन ऑन हो जाएगा। और इससे होगा क्या, होगा क्या देखिए मैं आपको दिखा दूँ। तो अगर आप डायलर में कोई भी जाकर कोई भी नंबर डायल करेंगे तो देखिए नंबर डायल करने पर आपको एक साउंड सुनाई देगा जब आपके फ़ोन में ये डायल अप पैड टोन ऑन रहेगा। तो ऑन रखेंगे तो क्या होगा, मतलब डायलर में जाकर नंबर डायल करेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगा। तो इस तरीके से आप इसे ऑन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करके इसको बंद कर देंगे तो जब आप बंद कर देंगे तो डायलर में जाएंगे और कोई भी नंबर डायल करेंगे तो वहाँ पर टोन सुनाई नहीं देगा, मतलब साउंड सुनाई नहीं देगा। इस तरीके से आप डायल अप पैड टोन्स को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं आईटेल विजन 3 के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।